इस प्रकार साथियों, हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में अगर बाबा साहब की तर्ज पर कोई संगठन काम कर रहा है तो वो बामसेफ है, और इसके लिए मैंने ये पिछले सारे सबूत बताए। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ऐसे कार्यक्रम कौन आयोजित कर सकता है। तो ऐसे जो सम्मेलन है ये वही नेतृत्व आयोजित कर सकता है जिसके पास में दूरदृष्टि हो, पूर्वानुमान हो, विश्लेषण क्षमता हो और समाज को दिशा देने का उनके पास में अनुभव हो, वो तत्व ज्ञान हो जिसके आधार पर समाज को दिशा दी जा सके। आप तुलना कीजिए कि उस समय बाबा साहब अंबेडकर के सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न था धर्म परिवर्तन का, और उस प्रश्न को लेकर उन्होंने सभा की, यानी समाज को दिशा देने का काम कर रहे थे कि मेरे इस समाज ने आज के समय की जो परिस्थितियां है उसके अनुसार क्या निर्णय लेना चाहिए जिसका भविष्य के आने वाली कईयों पीढ़ियों तक असर पड़े। तो ये 1936 में जो सभा ली गई थी उसका परिणाम है कि आज की पीढ़ी पर भी असर पड़ रहा है, उसका परिणाम है कि भारत में जो है इतने बड़े पैमाने पर धार्मिक आधार पर जागृति दिखाई दे रही है। उस समय लिया गया बाबा साहब का वो निर्णय का परिणाम है। तो ये बाबा साहब क्यों कर पाए? क्योंकि उनके अंदर वो दूरदृष्टि थी, पूर्वानुमान था, समाज को दिशा देने की सोच थी, ये सारी बातें थी, तब तो बाबा साहब कर पाए। और जिस नेतृत्व में ये सारी बातें होती है तभी लोग वहां जाकर एक तो घर से पैदल जाएंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे, और फिर वहां जाने के बाद 3 दिन का जो कार्यक्रम बाबा साहब ने रखा था उसके लिए भी पैसा देंगे। समाज के लोग ये करने को कब तैयार होते हैं? जब नेतृत्व के अंदर वो गुण पाए जाते हैं। आज की तारीख में बामसेफ के जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहे या कार्यक्रम हो रहे, तो कार्यकर्ता और अन्य लोग भी वो अपना पैसा खर्च करके राष्ट्रीय अधिवेशन में जाते हैं, फिर वहां पैसा देते हैं। तो अगर दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उस नेतृत्व में दिशा देने की सोच, समझ, पूर्वानुमान, दूरदृष्टि है। इस बात को जानकर ही तो पैसा देते हैं ना वहां जाके। समाज में बुद्धिजीवी लोग नहीं है ऐसा तो नहीं है कि कोई भी उठा के उनको बेवकूफ बना देगा और आदमी लोग जो है वो चलो भाई ठीक है हमको ही बेवकूफ बनाओ और हमसे पैसा ले जाओ, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। समझदार लोग हैं, तो समझदार तो तब अपना समय बुद्धि हुनर देगा जब उसको लगेगा कि हाँ इससे समाज का भला हो सकता है उन विषयों को उठाकर। तो ऐसा भारत में एकमात्र संगठन है जो बामसेफ है, जो उस तर्ज पर काम कर रहा है। ये हिम्मत दूसरे नेता नहीं कर पाते हैं, वो तो ये सोचते हैं कि यार हम पैसा खर्च करके लोगों को ला ले तो वो ज्यादा अच्छा है, ये हिम्मत दूसरे नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बातें उनके पास रहती नहीं, पूर्वानुमान, दूरदृष्टि, विश्लेषण क्षमता, वर्तमान की परिस्थितियों को समझना। अब ये सब आदमी में रहेगा तब तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं जो बता रहा हूं आज नहीं तो कल लोग आएंगे और साधन संसाधन भी देंगे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो वो कॉन्फिडेंस बाबा साहब के पास में था जो उन्होंने उस समय ये फीस रखी, कोई दूसरा नेता ये काम नहीं कर सकता था। और आज के समय में बामसेफ ऐसा संगठन है जो अपना खर्चा करके आओ भी बोलते हैं और जब 5 दिन रहोगे उसका भी पैसा हमको दो बोलते हैं। तो इतनी हिम्मत करने वाला तो एक ही संगठन है बामसेफ, और उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि बामसेफ ही है जो सही दिशा में और समाज को सही दिशा देने का काम कर रहा है। इसलिए अंत में मैं आप सभी लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि जो बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन, इसमें आप जो आपकी स्वेच्छा हो लेकिन इसमें अपना बुद्धि हुनर समय पैसा ये हर हालत में हमें देना है। कम ज्यादा ये अलग बात है, लेकिन आपने आपके पोजीशन को भी ध्यान में रखते हुए उस अनुपात में राष्ट्रीय अधिवेशन में अपना सहयोग करना है। उसका अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर में आप पैसा डाल सकते हैं।
और या आपके जिले में आपके आसपास जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता आप तक आएंगे तो पैसा जरूर देना है, क्योंकि ये आंदोलन आजादी का आंदोलन चलाया जा रहा है। और जिन लोग जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन उनके संपर्क में अगर बामसेफ के कार्यकर्ता नहीं है तो वो बामसेफ कार्यालय के बारे में वेबसाइट पे देख सकते हैं, या उनके जो ऑफिस का नंबर है जो पॉम्पलेट में नंबर दिया है वो पॉम्पलेट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाया है, उसमें जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दे दूंगा, तो आप उस माध्यम से भी अपना सहयोग इस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए दे सकते हैं और देना ही चाहिए। तो ऐसी में आप सभी से आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मुनि।